पता चला कि जैसे हमारे लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे यकीन करते हैं और सबको ये पता है कि सिर्फ नवाज शरीफ अकलौता लीडर है जिसने पाकिस्तान के लिए काम किया, चाहे वो मोटरवेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मुल्क को एटॉमिक पावर बनाना हो, तो सबको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इज द ओनली लीडर हु कैन सेव पाकिस्तान। अच्छा, कहा लोगों से पता चला, आपको क्या वजह थी आपको अपना सर्वे डिलीट करना पड़ा ट्विटर से, जो कि अगर आपकी लोगों की पॉपुलरिटी की बात करेंगे, लोगों की पॉपुलरिटी से हमें पता चला कि नवाज शरीफ जो है कितना इस वक्त पॉपुलर लीडर है, क्या वजह? आपको ट्विटर पे एक सर्वे अपलोड किया था पीएमलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैम एक मिनट, ये बिल्कुल नहीं है, कोई प्रोपेगेंडिस्ट हैं जिन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वो पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट हैं। पीएमलैंड के ऑफिशियल अकाउंट से बता, जानबूझ के ये कंट्रोवर्सी जो हुई थी, उन्होंने पीटीआई के प्रोपेगेंडिस्ट ने जानबूझ के वो सर्वे एक फेक अकाउंट से बनाया। अच्छा मैम, का पीएमएलएन से हर हर जमात, मैडम एक मिनट, हर जमात ये दावा करती है कि हमारी हुकूमत आएगी, इस बात में आपका मौकफ ठीक है, लेकिन जो आपके रहनुमा हैं सीनियर वो ये दावा करते हैं कि हमारी बात हो गई है, किससे बात हो गई है? कुछ तो कारकुनों को और हमें तो बताए ना मीडिया को। देखिए, हमारे तो किसी रहनुमा ने एक नहीं कहा कि बात हो, राणा सराउंडिंग ने कहा है, हर हल्के में आपके डायवर साहब ने की है, दावा कर रहे हैं। बात होना ना होना मुझे ये बिल्कुल नहीं पता, और आई डोंट थिंक बात अवाम से होती है। अवाम ने 8 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को PMLN को वोट दे रहे हैं, इंशाल्लाह हमने अपने काम से और अपनी कारकर्दगी से प्रूव किया है कि PMLN ओनली पार्टी है जो पाकिस्तान को डिलीवर कर भी सकती है और आगे कर। आपने कहा कि 21 अक्टूबर को आपके लोग कन्वेंशन नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, और आप लोग खुले आप सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते मुझे बताए? साहब का वर्कर बाहर निकलता है तो गिरफ्तार हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज वो जरूर करें, लेकिन मुझे बताएं कि जिस तरह 9 मई को तहरीके इंसाफ की पार्टी ने आके रियासत के अदारों पे अटैक किया था, जिस तरह इमरान खान ने साइफर को लहरा के पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जलील करने की कोशिश की थी, जिस तरह अब उनके ऊपर और केसेस आ रहे हैं, अलकादे ट्रस्ट केस की डील्स आ रही हैं, तो 9 मई के बाद तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोई भी इंसान जिसने मुल्क के और रियासत के अदारों पे तशद्दुद किया हो उनको अलाउड होना चाहिए, लेकिन जो लोग उसमें मुलव्वस नहीं हैं वो ज़रूर आए। मैडम, इंतखाबी जो है पॉलिटिक्स, उनको सबका राइट है।